ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज है 176वीं अव्यक्त मुरली। मजबूरियों को समाप्त करने के साथ मजबूत। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 19 सितंबर 1972। अभी अचल अडोल अटल स्थिति में स्थित हो, अचल अडोल अटल स्थिति में स्थित हो, जो महावीरों की स्थिति गाई हुई है, उस काल को पहले के गायन व वर्णन हुई स्थिति में स्थित हो, वह अपने अंतिम साक्षीपन हर्षित मुख न्यारी और अति प्यारी स्थिति के समीप आ रहे हो कि वे स्थिति अभी दूर है, वे स्थिति अभी दूर है, जो वस्तु समीप आ जाती है उसके कोई ना कोई लक्षण व चिन्ह नजर आने लगते। तो आप लोग क्या अनुभव करते थे? क्या वो अंतिम स्थिति समीप आ रही है? समीप से भी ज्यादा और कौन सी स्टेज होती? बाप के समीप आ रहे हो, क्या अनुभव करते हो? हम बाप के समीप जा रहे हो ना, चलते चलते खैर तो नहीं जाते हो, कोई साइड सीन देखकर ठहर तो नहीं जाते हो। चढ़ती कला का अनुभव करते हो, ठहरती कला तो नहीं। स्थूल यात्रा पर भी जब जाते हैं तो चलते रहते हैं, तो चलते रहते हैं, रुकते नहीं। ये भी रूहानी यात्रा, ये भी क्या है? रूहानी यात्रा है ना। इसमें भी रुकना नहीं, इसमें भी रुकना अथक अटल अचल हो चलते रहे तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ये लक्ष्य रखा है ना, अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्षण भी आ जाते हैं। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती हैं। अगर मजबूती नहीं है तो फिर अनेक मजबूरियां भी दिखाई देती, अनेक मजबूरियां भी दिखाई देती हैं। तो अपने को महावीर समझते हो ना, महावीर कभी भी किसी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझे, किसी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे। एक सेकंड में मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर, एक सेकंड में मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर। ऐसे ही अंगद समान अपने बुद्धि रूपी पांव को एक बाप की याद में स्थित करना है, जो कोई भी हिला ना सके। बस हमने बाबा की श्रीमत पर चलना है, फिर कोई हमें हिला नहीं सकता। कल्प पहले भी ऐसे ही बने थे, कल्प पहले भी ऐसे ही बने थे ना, याद है? और पूछ रहे हैं, याद आता है? जब कल्प पहले ऐसे बने, जब कल्प पहले ऐसे बने तो वही पार्ट रिपीट करना है, तो वही पार्ट क्या करना है हमें? रिपीट करना। और पार्ट पहली बार नहीं, बार बार किए हुए पार्ट को रिपीट करना। ये पार्ट भी कैसा है? जो बार बार करते। तो
तो आप बहुत पद्म भाग्यशाली आत्मा। इतने सारे विश्व के अंदर, इतने सारे विश्व के अंदर बाप को जानने और अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले कितने थोड़े, अनगिनत नहीं है, गिनती वाले हैं। उन थोड़े जानने वालों में आप हो ना। कितने चुने के सोचो, इस टाइम में मुरली चली तो पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं हुए। अभी तो दुनिया अज्ञान की नींद में सोई है और आप अनेकों में से थोड़ी सी आत्माएं बाप के वर्षे के अधिकारी बन रहे हो। जब वो सभी जाग जावेंगे, कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ कणा दाना ले आवें, लेकिन क्या होगा, ले सकेंगे, लेट हो जावेंगे तो क्या ले पाएंगे। उस समय आप सभी आत्माओं को भी अपने श्रेष्ठ भाग्य का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार, अभी तो गुप्त है ना, अभी तो गुप्त है ना, अभी गुप्त में ना बाप को जानते हैं ना आप श्रेष्ठ आत्माओं को जानते हैं। साधारण समझते हैं, लेकिन वे समय दूर नहीं जबकि जागेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन फिर भी पा ना सके। बताओ उस समय आपको अपने ऊपर कितना नाज होगा कि हम तो पहले से ही पहचान कर अधिकारी बन गए। ऐसी खुशी में रहना चाहिए, क्या मिला और कौन मिला, सारे संसार का मालिक मुझे मिला, सर्वोच्च ज्ञान लेने का अवसर मिल गया। और फिर क्या क्या होना चाहिए, क्या होने वाला है, ये सब जानते हुए सदा अति इंद्रिय सुख में झूमते रहना। क्या करना, अति इंद्रिय सुख में झूमते रहना। और ये अति इंद्रिय सुख कौन अनुभव करता है, आत्मा। और ये सुख बिना शरीर के अनुभव, चाहे शरीर कितना बीमार हो, इस सुख में वो ना सुख उसको निकाले। ऐसी अवस्था है कि कभी कभी पेपर्स खिला देते, खेलते तो नहीं हो, घबराते तो नहीं हो कि एक दो से सुनकर घबराने की लहर आती है, फिर अपने को ठीक कर देते हो। रिजल्ट क्या निकली, क्या समझते हैं, मधुबन निवासियों की रिजल्ट क्या है, मधुबन निवासी लाइट हाउस, मधुबन निवासी क्या है, लाइट हाउस, लाइट हाउस ऊंचा होता है और रास्ता बताने वाला होता है। मधुबन के डायरेक्शन प्रमाण सभी चल रहे हैं तो लाइट हाउस हुआ ना, और ऊंच स्टेज भी हुई। जैसे बाप को कहते हो ऊंचा काम, वैसे ही मधुबन ऊंचा था, तो नाम और काम भी ऊंचा होगा ना। नाम भी है मधुबन, मधुबन निवासियों की
ये विशेषता है ना, क्या विशेषता होती है मधुर रस की? मधुर मुहूर्त, मधुरता, मधुर मुहूर्त, और क्या होते हैं वो? बेहद की वैराग्य, एक मधुर और दूसरा बेहद के वैराग्य। एक तरफ मधुरता और दूसरी तरफ इतना ही फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति से सिर्फ गंभीर मूर्त रहेगी। वैराग्य वृत्ति से क्या बनेंगे? गंभीर मूर्त, मतलब आप किसी में फंसेंगे नहीं, यह है वैराग्य। और मधुरता में क्या है? सबसे प्यार से, क्योंकि वैराग्य नहीं है, सबसे न्यारे नहीं है तो सबके प्यारे नहीं है। ये हमारे एरिया के आए हैं, हरियाणा के आए हैं, हमारे जिले के आए हैं, वो मधुरता खत्म, वो रिश्ता खत्म, वैराग्य नहीं है। वास्तविक गंभीरता रमणीकता में समाई हुई है। वे तो अज्ञानी लोगों का गंभीर रूप होगा तो बिल्कुल ही गंभीर, रमणीकता का नामो निशान नहीं होगा। लेकिन यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण संपन्न है। जैसे लोगों को भी समझाते हो, जैसे लोगों को भी समझाते हो कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। लेकिन सिर्फ शांत स्वरूप नहीं है, लोगों को समझाते हम शांत स्वरूप है, बाबा कहते लेकिन शांत स्वरूप नहीं है, लेकिन उस शांत स्वरूप में आनंद प्रेम ज्ञान सभी समाया। गंभीरता में शांत स्वरूप, शांत में क्या हो? आनंद भी प्रेम भी ज्ञान, तब है शांत स्वरूप। शांत स्वरूप अगर मैं चुप बैठा हूं, ज्ञान भी, ज्ञान का कंसेप्ट भी क्लियर हो, सर्व आत्माओं के प्रति प्रेम भी हो और अपने आप में आनंद की अनुभूति भी हो, तब है हम शांत स्वरूप। ऐसे पहले कभी कहा बाबा? शांत स्वरूप माना आनंद प्रेम ज्ञान, ये सब साथ, मतलब एक एक स्वरूप सभी गुणों को अपने में धारण कर लेते हैं। संतुष्ट आ गए तो सब कुछ आ जाएगा। एक एक गुण एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो ऐसे बेहद के वैराग्य मूर्त वाले और साथ साथ मधुरता भी, यही विशेषता मधुबन निवासियों की है। तो जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में सा रहने वाले हैं वो कब घबराते हैं क्या? डगमग हो सकते हैं, हिल सकते हैं, कितना जोर से लावें, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप होते हैं। तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो कि थोड़ा बहुत देखकर कुछ अंश मात्र भी स्नेह कहो वा मोह कहो, लेकिन स्नेह का स्वरूप क्या होता है? स्नेह का स्वरूप क्या होता है इसके लिए, इसको तो जानते हो ना, इसको तो जानते हो ना, जिसके प्रति स्नेह होता है तो उसके प्रति सहयोगी बन जाना होता है, सहयोगी बन जाना होता है। बाकी कोई रीति रस्म से स्नेह का रूप प्रकट करना, इसको स्नेह कहेंगे वा मोह कहेंगे? तो इसमें मधुबन निवासी पास हुए। मधुबन का वायुमंडल मधुबन निवासियों की वृत्ति वाइब्रेशन लाइट हाउस होने के कारण चारों ओर एक सेकंड में फैल जाए, एक सेकंड में फैल जाए।
तो ऐसे समझकर हर पाठ बजाते हो, निमित समझकर व ऐसे समय छोटे बच्चे हो जाते हो, क्या रिजल्ट हुई? ये तो अभी कुछ नहीं हुआ, ये तो अभी कुछ नहीं हुआ, ये तो अभी आप तो बहुत कुछ होना है, आप सोचेंगे अचानक हो गया, इसलिए थोड़ा सा हुआ, लेकिन पेपर तो अचानक आएंगे, पेपर कोई बता कर नहीं आवेंगे, पहले बता तो दिया है कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाले हैं, लेकिन उस समय अचानक, तो अचानक पेपर में अगर जरा संकल्प में भी हिलना हुआ तो अंगद मिसल हुए नहीं हुए। अब वो लास्ट स्टेज नहीं आई है क्या? अब वो लास्ट स्टेज नहीं आई है क्या? पूछ रहे थे ना, समीप से भी ज्यादा नजदीक कौन सी स्टेज होती है? वे होती है सम्मुख दिखाई देना, समीप आते आते वही नजदीक वही वस्तु सम्मुख हो जाती, तो समीप का अनुभव करते हो वह बिल्कुल वे स्टेज सम्मुख दिखाई देती है, आज ये है कल ये बन, आज ये है कल ये बन जाएंगे, ऐसे सम्मुख अनुभव करते हो जैसे साकार में अनुभव देखा तो भविष्य स्वरूप और अंतिम संपूर्ण स्वरूप सदा सम्मुख स्पष्ट रूप में रहता था ना, तो फॉलो फादर करना है, जैसे बाप के सामने संपूर्ण स्टेज व भविष्य स्टेज सदा सामने रहती है, वैसे ही अनुभव हो रहा है कि सोचते हो पता नहीं क्या भविष्य होना है, वे स्पष्ट होता कहाँ है, अनाउंस तो होता नहीं, घोषणा तो कोई होती नहीं है, लेकिन जो महावीर पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में सदा अपने प्रति स्पष्ट रहता है, तो स्पष्ट देखने में आता है, वे वा थोड़ा बहुत उनकी बुद्धि में घूंघट बीच में है, पूछ रहे पड़ता है बीच में, आजकल ट्रांसपेरेंट घूंघट भी होते हैं, दिखाई भी सब कुछ देता है फिर भी घूंघट, बाहर वाले को ना दिखाई दे पर अंदर वाला सब कुछ देख सकता, लेकिन वैसे स्पष्ट देखना और घूंघट बीच देखना फर्क तो होगा ना, तो अपने पुरुषार्थ प्रमाण ट्रांसपेरेंट रूप में घूंघट तो नहीं रह गया है, बिल्कुल ही स्पष्ट है ना, तो मधुबन निवासी अटल, ना कि ये संकल्प भी है कि ये क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्यों का क्वेश्चन तो नहीं, जो भी पाठ चलते हैं उन हर एक पाठ में बहुत कुछ हुए रहस्य समाये हुए, वो रहस्य क्या था सुनाया था ना, समय की सूचना देने के बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते, और बीच बीच में घंटी बजाकर क्या है जगाते, किंतु देवी देवता सवेरे उठने का टाइम है, स्नान करने का टाइम है, नहाने का टाइम है, दातुन मंजन नाश्ता, फिर रेस्ट, फिर लंच, फिर रेस्ट, संध्या का ब्रेक, रात का, रात को सुलाना, सारे काम वो तो बेचारे देख के छोटे से तो करते रहते हैं, रघु गोपाल को वो बड़े सारे कृष्ण को सारा कुछ करते हैं, मंदिर के
प्रॉपर टाइम पे पर्दा लग जाएगा, ये स्नान का टाइम है, पर्दा बंद रहेगा, ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी, ड्रेस चेंज, श्रृंगार चेंज, श्रृंगार का टाइम है, आज छोटा श्रृंगार है, तो बड़ा श्रृंगार है, हम भी खेलते थे पूरा ऐसे पर्दा लगाते रहते हैं, लगातार देखो काना जंगल जाएगा, इसलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते उठाते भी हैं, बजा कर जगाते हैं, घंटी बजा कर फिर सुलाते भी हैं, घंटी बजा कर सुलाते भी हैं तो घंटी बजा कर उठाते भी हैं तो घंटी बजा कर, ये भी समय की सूचना घंटियां बजती रहती है, क्योंकि जैसे शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया है, खूब अज्ञान नींद में सभी सो गए हैं, क्योंकि समझते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है, तो यहाँ फिर जो देवी परिवार की आत्माएं हैं उनको चलते चलते माया कई प्रकार के रूप रंग रीति रस्म के द्वारा अलबेला बनाकर समय की पहचान से दूर कर देती है, पुरुषार्थ के ढीलेपन में सुला देते हैं। जब कोई अलबेला होता है तो आराम से जिम्मेवारी होने से अटेंशन रहता है कि हमको टाइम पर उठना है, ये करना है, अगर कोई प्रोग्राम में नहीं तो अलबेला ही सो जाएगा, तो ये भी अलबेलापन आ जाता है। जब कोई अलबेले हो ढीले पुरुषार्थ के नींद के नशे में मस्त हो जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, उनको हिलाना पड़ता है, हलचल करनी पड़ती है, नशे कि नींद से उठ जा, जैसी जैसी नींद होती है वैसा किया जाता है, बहुत गहरी नींद होती है तो उनको हिलाना पड़ता है, लेकिन कोई की हल्की नींद होती है तो थोड़ी हलचल करने से भी उठ जाता है, तो अभी हिलाया नहीं है, थोड़ी हलचल हुई, दूसरी चीज को निमित्त रख उसको हिलाया जाता है तो जागृति हो जाती है, ये भी ड्रामा में निमित्त बनी हुई है, जो सूचना स्वरूप मूर्तियां हैं उन्हीं को थोड़ा हिलाया, हलचल की तो सभी जाग गए, क्योंकि हल्की नींद है, हल्की नींद है ना, जागे तो जरूर लेकिन जागने के साथ रड़ी तो नहीं, शोर तो नहीं मचाया, रड़िया तो नहीं मचाई, ऐसे जी ऐसे कई ऐसे होते हैं, कोई को अचानक जगाया जाता है वो घबरा जाता है क्या हुआ, तो कोई यथार्थ रूप से जागते हैं, कोई कुछ घबराने बाद होश में आते हैं, लेकिन ये होना ना चाहिए, जरा भी चेहरे पर रूप रेखा घबराने की ना आनी चाहिए, आवाज में भी चेंज ना हो, आवाज में भी अगर अंतर आ जाता है तो चेहरे में भी कुछ चेंज आ जाता, तो इसको भी पास कहेंगे, तेरे में चेंज आई तो इसको भी पास कहेंगे, ये तो कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कड़े पेपर तो आने वाले हैं, ये तो अभी कुछ नहीं हुआ, इतनी बातें बता दी, ये कुछ नहीं हुआ, अभी तो बहुत कड़े पेपर आने वाले हैं, पेपर को बहुत समय हो जाता है तो पढ़ाई में अलबेलापन हो जाता, फिर जब इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो फिर अटेंशन देते हैं, तो ये अभी तो कुछ नहीं देखा, पहले के पेपर कुछ अलग हैं, लेकिन अभी तो ऐसे पेपर आने वाले हैं जो स्वप्न में भी संकल्प में भी नहीं होगा, प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे अद का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो वा हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी हो देखते हैं, अंतर नहीं होता,
क्योंकि ड्रामा समझते हैं तो ऐसी एक रस अवस्था होनी चाहिए, चाहे रमणीक पार्ट हो चाहे कोई सन्नी आत्मा का गंभीर पार्ट भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए। घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था ना हो। कोई घबराते भी नहीं, युद्ध में लग जाते हैं, जरूर कुछ कल्याण होगा, लेकिन साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग। इसको ही एक रस अवस्था कहा जाता है। वे तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मगन होंगे। बाप और बस पीस कराना और कोई बात देखते सुनते व कोई संबंध संपर्क में आते हुए ऐसे समझेंगे जैसे साक्षी हो पाठ बजा रहे। बुद्धि उस लगन में मगन, बाप और वर्षे की मस्ती रहे, बाप और वर्षे की क्या रहे, मस्ती। इसलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ, इसके लिए अपनी परख करने के लिए ये पेपर आते हैं, नहीं तो मालूम कैसे करो। हर एक को अपनी स्थिति को परखने के लिए थर्मामीटर मिलते हैं, अपनी स्थिति परखने के लिए क्या मिलते हैं, थर्मामीटर मिलते हैं, जिससे अपनी स्थिति को स्वयं परख सकते हैं। कोई को कहने की दरकार नहीं, घबराना नहीं। गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी। गहराई में ना जाने के कारण घबराते हो। मधुबन निवासियों के लिए खास मिलने लिए आए हुए हैं, इसमें भी श्रेष्ठ भाग्यशाली हुए। और तो प्रोग्राम बनाते रहते हैं, आप बिगर प्रोग्राम प्राप्त करते हो, वहां बैठे रहते तो विशेषता हुई। मधुबन में बाप स्वयं तोड़ी पहन आते हैं, रिजल्ट तो अच्छी है। वे तो जरा सी हलचल थी, उस जरा को समझ गए ना। अब इसको भी निकालना है, जरा भी फ्लॉ दाग ना रह जाए, जरा भी फ्लो आपको फेल कर दे। लास्ट फाइनल पेपर में अगर जरा सा फ्लो आ गया तो फेल हो जाएंगे। इसलिए पहले से ही पेपर होते हैं परिपक्व बनाने के लिए। बाकी अभी की रिजल्ट बहुत अच्छी है, सभी एक दो में स्नेही सहयोगी अच्छे। सुनाया था ना कि सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अब चालू होती है, तो मधुबन निवासियों से विशेष सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अब चालू हो गई और भी सेवा केंद्रों पर सूक्ष्म सर्विस चालू तो है, लेकिन फिर भी वर्तमान रिजल्ट अनुसार इस सर्विस में नंबर वन मधुबन निवासी। इसलिए मुबारक हो, जैसे अभी तक स्नेह और सहयोग का सबूत दे रहे हो, वही सबूत औषधि के रूप में भी मैं जहां पहुंचानी चाहते हो वहां पहुंच रहा है। आपके जो अनुभव हैं वो सूक्ष्म संदेश से पहुंच रहे हैं। आपकी पावरफुल औषधि है, जैसे जैसे आपकी पावरफुल औषधि पहुंचती जाती है वैसे वैसे स्वस्थ होते जा रहे हैं। इसमें भी पावरफुल औषधि भेजते रहेंगे तो एक हफ्ता में भी ठीक हो सकते। मार्जिन है तेज करने,
फिर भी रिजल्ट अच्छी, ऐसी अच्छी रिजल्ट को देखते हुए लाइट हाउस की लाइट चारों तरफ पहुंच रही, उससे और स्थानों में भी लाइट हाउस का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे सदा आपस में एक मत और श्रेष्ठ गति से चलने वाले, सदा एक याद रहने वाले पांडव सेना और शक्ति सेना को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650 69 7270 4